हमारे स्कूल में एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। हमें बताया जाता था कि ये हमारा बादशाह है, मगर वो हम में से नहीं था। हम गुलाम थे, जंजीरों के बगैर। उस वक्त हमारे पास बस यही एक उम्मीद थी, सबसे बड़ी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और चिटागोंग से चमन तक सब मुसलमानों का ख्याल था कि अगर कोई शख्स, कोई एक शख्स उनके लिए आज़ादी की जंग लड़ सकता है तो वो यही शख्स है। छोटेपन में मैं मामू दारून के पीछे फिरता था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। जिसने लेके दिया तो फिर चाहत हो गई ना। मैंने कभी उन्हें देखा नहीं था, बस निसाब में पढ़ा था। अपने फैसलों में, रोजमर्रा के मामूलात में और अब आने वाले कल की बुनियाद रखते वक्त जब भी कोई ऐसा लम्हा आया कि मुझे गुजरे हुए काल को देखना पड़ा तो वो बिल्कुल मेरे साथ मौजूद थे। मैंने कई चीज़ें ऐसी देखी कायद आज़म की ज़िंदगी में जो कि इम्प्लीमेंट की जा सकती थी अपनी ज़िंदगी में। उनका वकालत का स्टाइल, सेल्फ मेड होना, उनकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। लेकिन उसकी जो शादी थी वो जो उसके दिल चाहती थी वो उसने किया। वो एक बड़े रोमांटिक आदमी थे। जिस तरह वो उनकी शादी हुई और बॉम्बे के सबसे ज़्यादा ग्लैमरस कपल कहलाए जाते थे। लॉ में ही इज नंबर वन, देयर इज नो वन इक्वल टू हिम। एक हम्बल बैकग्राउंड से, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उठे और एक उस मुकाम पे जा पहुँचे जहाँ तमाम हिंदुस्तान के महाराजे नवाब उनके घर आया करते थे और उनसे मिला करते थे और उनकी कमांड पे चला करते थे। मानने वाले सब पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन यकीन करते थे। उन दिनों हम एक कौम बन रहे थे और ये सब कुछ एक ऐसे शख्स की क़यादत में मुमकिन हुआ जो इस कौम की सबसे कीमती विरासत है। वो दुनिया के वाहिद सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने एक मजहबी अक़लियत के लिए एक मुल्क हासिल किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी डीप स्ट्रक्चर है हमारी आइडेंटिटी का। उसकी फॉलोइंग थी तभी तो आपको पाकिस्तान मिला। अब तक देखो ना, हर एक जगह जाओ कायद आज़म का फ़ोटो लगा हुआ है। मोहब्बत के बगैर तो नहीं लगाते हैं। कौम के लिए तो एक उसका ऑब्जेक्ट था ना, टू क्रिएट पाकिस्तान व्हिच मुस्लिम्स वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ हिंदूज। इट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी डेमोंस्ट्रेट टू द वर्ल्ड हाउ अ नेशन कंटेनिंग मेनी एलिमेंट्स कैन लिव इन पीस एंड एमिटी एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट of all its citizens irrespective of caste or creed. We want to live peacefully and maintain cordial, friendly relations with our immediate neighbors and with the world at large. जब कौम बन गई तो ख्वाब पूरा करने का वक्त आ गया। कायदे आजम के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं था, वो इसे एक रियासत बनाना चाहते थे। एक ऐसा घर जहां आने वाले कल की रोशनी रंग, नस्ल और फिरते की दीवारों से रुक न सके, जहां सब लोग बराबरी की बुनियाद पर रहे। कायदे आज़म पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते थे जहां तमाम लोग, चाहे उनका कोई भी मज़हब, कोई भी अकीदा, कोई भी फिरका हो, वो बराबरी की बुनियाद पर रह सके। कायदे आज़म जैसा बंदा मैंने नहीं देखा, न उस जैसी पर्सनैलिटी, न उस जैसा कैरेक्टर, और जो किससे डरे भी नहीं, जो उसके ईमान में सच आए वो बोल। हमारे लोग उस पाकिस्तान की सिम चल पड़े हैं जिसे कायदे आज़म ने सोचा। हम 16-17 करोड़ लोग जो इनकी वजह से एक कौम कहलाते हैं, एहतराम से ज़्यादा इनसे अकीदत रखते हैं।
इंशाल्लाह एक दिन कायदे आजम का ख्वाब जरूर पूरा होगा। कौमों के सफर में देर तो लगती है मगर ये सफर जरूरी है क्योंकि ये मुल्क और उस शख्स का ख्वाब हम पर कर्ज भी है और फर्ज भी। हमें पाकिस्तान कायम रखने के लिए हर